ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए 28 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है और एकादशी का श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि एक समस्या रहती है कि एकादशी के दिन भोजन व्रत रहता है और एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कैसे कराएं। अरे कुछ कच्चा भोजन उनको दे दीजिए, फलहार इत्यादि उनको दे दीजिए, वो भी तो शास्त्र में निर्णय बताया गया है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनको आप भोजन करा सकते हैं, गाय के निमित्त हल्का सा ग्रास निकाल सकते हैं। शास्त्र में प्रमाणित है, यदि कहीं किसी जगह पर कोई व्यक्ति आपको ब्राह्मण भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या करें, उसके लिए गऊ के निमित्त ग्रास निकाल सकते हैं, भिक्षुक के निमित्त ग्रास निकाल सकते हैं। कोई आवश्यक अवस्था में किसी गरीब को भी भोजन कराना, आप तर्पण करना, ये सब चीज़ें भी शास्त्र में प्रमाणित हैं। तो अवश्य चींटी के निमित्त 5 बलि शास्त्र में बताई गई हैं जो अवश्य निकालनी चाहिए, उनके निमित्त भोजन अवश्य निकालना चाहिए। गाय के निमित्त, कुकुर के निमित्त, चींटी के निमित्त, भिक्षुक के निमित्त और साथ साथ ये सब चीज़ें जो शास्त्र में बताई गई हैं कौवे के निमित्त, ये अवश्य नित्य प्रति श्राद्ध करते हुए ये 5 भोज्य योनियों के लिए अवश्य कुछ ना कुछ निकाल देना चाहिए। तो शास्त्र में इसका प्रमाणित किया गया है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन जो ग्रह योग बन रहे हैं वो क्या है। देखिए, शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा अननेसेसरी आपके लिए सप्तम भाव में विराजमान होकर थोड़ी जिद बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी बात में अड़ियलपना थोड़ा सा आप खुद लग रहा होगा कि ये बातों में अड़ियलपना हो जाता है। और साथ में जिस प्रकार का बाकी ग्रहों का योग चल रहा है, केतु इत्यादि का योग चल रहा है, वो पता नहीं मुख से पता नहीं क्या क्या निकलवा देते हैं। बाद में आपको उसका पश्चाताप करने का मन में होता होगा क्यों निकल गया मुख से ऐसा। अब लेकिन है जो ग्रहों का योग वो हो रहा है समस्या, तो उसको ठीक करने का दिन है ये शनिवार और एकादशी का योग इसलिए है। तो ऐसे में ध्यान रखें, थोड़े से काले तिल लेकर और दूध में डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए यदि 11 बार ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या एक मंत्र हम बता देते हैं जो शनि को शमन करने के लिए, शांति करने के लिए एक वेद में आया है यजुर्वेद के अंदर, वो इस प्रकार से है, शनो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शनो रविष्ट्रवन्तु नः। ये शांति अध्याय के अंदर रुद्राष्टाध्याय के अंदर बताया गया है, तो इस मंत्र को अवश्य पुनः सुन लीजिए। शनो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शनो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते भवान शंकर का तिल से अभिषेक करने से, दूधयुक्त तिल से अभिषेक करने से शनि के दोषों को शमन करने में इन दिनों आपको लाभ मिल सकता है। अवश्य सीधे उपाय को करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 29 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और सिंह राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और यह आपके लिए नए उत्साह का वर्धन करने के योग बनाता दिखाई देगा, नई हिम्मत जगाने के योग बनाता दिखाई देगा। बहुत सुंदर आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सारे नए विचार आपके मनोमस्तिष्क में आपको आ सकते हैं, रास्ता सही दिखाने का में लाभ प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इसका तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सन्यासियों के निमित्त श्राद्ध करने का भी शास्त्र में इस दिन है। द्वादशी के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं, जिनकी द्वादशी के दिन इस संसार से गमन हुआ, उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य कराएं इस दिन। साथ साथ कोई घर का व्यक्ति सन्यास लेकर चला गया हो, सन्यास जीवन से निवृत्त हो गया हो, अलग हो गया हो, शास्त्र में कहा गया उनके निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध जो संन्यास हमारे यहाँ ग्रहण किया जाता है, संसार के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो विरक्त हो गया, उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन आपके कुल में वह व्यक्ति है तो उसका संबंध तो है। तो सन्यासियों के निमित्त अवश्य किसी संत महात्माओं को जो बिल दिखाई दे जाए उनको अवश्य भोज्य इत्यादि चीज़ें देकर उस कार्य को करने का प्रयास कीजिए। ये अवश्य शास्त्र में प्रमाणित चीज़ें हैं, अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो 30 सितंबर के दिन त्रयोदशी तिथि है और तिथि बहुत सुंदर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उत्साह का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ये समय है पॉजिटिव कार्य करने का, ये समय है विश्वास के साथ कार्य करने का, संयम बरतते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। उत्साह अच्छा रहेगा, एनर्जी भी अच्छी दिखाई देती है, तो अच्छे से कार्य करने का प्रयास करें। सोमवार और प्रदोष का योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग है सोम प्रदोष। सोमवार और त्रयोदशी शाम के समय जब हो तो कहा जाता है कि समस्त दोषों को हरने का समय है। भगवान शंकर की उपासना करके पार्वती जी के साथ कहा जाता है, सुंदर योग में पार्वती जी और भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं संध्या काल में, और जो उनका आशीर्वाद ले लेता है उस वक्त पूजा इत्यादि भगवान का व्रत करते हुए पूजन करते हुए मिल जाता है, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो इस सुंदर तिथि का लाभ लेने का प्रयास करें। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई,
शास्त्र में कहा गया ना, जब प्रभु की कृपा से हम समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, इस सुंदर योग में शास्त्र में जो कथाएं वर्णित हैं वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में बड़ा विशेष योग बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई बार लिख के भी हमने देखा, बहुत सारे लोग लिख के डाल देते हैं कि हम तो श्राद्ध में विश्वास नहीं करते। अरे आपके विश्वास, किसी के विश्वास करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई कहता है किसी के लिए मेरे लिए चिकित्सा शास्त्र कोई महत्व नहीं है। भैया जब समस्या आती है तब पता चलता है। तो इसलिए शास्त्र में तो हर चीज़ प्रमाणित है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर तरह से हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई महत्व है, इसीलिए उनका निर्माण किया गया है, व्यवस्था बनाई गई है, तो अवश्य उनको समझे। वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का युगायुग बनता दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है, पुनरपि जन्म, ये बात सिद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पर आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी वंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा, यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही प्रति समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो एक वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद, जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी एक वर्ष तक, एक वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है, तो उस एक वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्मशांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं, सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे स्त्रियाँ बहने नहीं कर सकती, अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुंचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ कि व्यवस्था करो श्राद्ध करना है, और जब वो ले नहीं पहुंच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते, शास्त्र भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है, लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाए आए,
उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है, जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तीन पीढ़ी तक पिता पितामह पर पितामह यानी तीन पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्यान्ह काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्यान्ह काल में हो, उस तिथि जो मध्यान्ह काल में जो व्यापनी हो स्थिति, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध अश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं, गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के ग्रास निकाल सकते हैं, चींटी भुक्षुक कौआ काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप दो केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितर आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में, अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट, अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या, ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ लोग कह देते हैं, ज्योतिषी धर्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ़ नहीं करती, आपको पितृ आपके रुष्ट होना हो, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है, तो आप कि आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता किसी व्यक्ति ने बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है वो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा, उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्ठाभीत कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं, माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी, जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया, अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको उनके पितृ के निमित्त निकाल कर मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई, हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है, निमित्तिक श्राद्ध शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है, और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं पक्ष में कर रहे हैं पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है, और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं, नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए, जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस ये देवतीर्थ है, आगे वाली उंगलियाँ ये पितृतीर्थ है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है यहाँ एक लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्य ही सुधा, यदि स्त्री है तो से सुधा और पुरुष है तो तस्मयी सुधा। ये दो देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं और सुधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है भोज्य पदार्थ इत्यादि है वो आपके पितरों के तक पहुँचाती हैं, तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं पूरी विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं, आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है, तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ तर्पण ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी
कारण से नहीं हो पा रहा है, तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साधकर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौ ग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितर रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चांद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे, ये शास्त्र ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके पितृ कतई आपसे प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे, उनको तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर। तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं। बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वलकल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे, ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार जीवन में, चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है, ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं, ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्यपति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञान को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है, और विवेकानंद योग आश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। अभी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं, और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।